हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देवभूमि करियर पॉइंट। तो फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी टाइम से काफ़ी लोग इंतजार कर रहे थे और काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे, सर प्लीज़ अलंकार पे एक वीडियो बनाइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की जो वीडियो मैंने बनाई है अलंकार में, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी फ्रेंड्स, आप अच्छे से अलंकार को समझ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अलंकार थोड़ा लंबा है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको ये पार्ट वन में दे रहा हूँ। कुछ अलंकारों के बारे में जानेंगे पार्ट टू में फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है सभी एग्जाम्स के लिए। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है फ्रेंड्स अलंकार से। ठीक है, कहीं ना कहीं मेरे को भी लगता है हिंदी का सबसे टफ पोर्शन है अलंकार, काफ़ी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए एग्जाम में कि कौन सा अलंकार पंक्तियों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स, और वीडियो आपको ज़रूर पसंद भी आएगा। मैं नॉर्मली इसको बिल्कुल समझाना चाहता हूं आपको, ताकि अच्छे से समझ में आए, अच्छे से आप इसको माइंड में बसा सके, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए हिंदी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, अभी छंद इसके बाद दूंगा मैं फ्रेंड्स, समास में दे चुका हूँ पहले ही, बाकी और अन्य चीज़ें जो भी हैं धीरे धीरे हम डिस्क्रिप्टिव चैप्टर अपने देते रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, बस आप चैनल के साथ बने रहिए और तैयारी करते रहिए, हम आशा करेंगे कि आपको अच्छे से सहयोग करेंगे। ठीक है, आपकी तैयारी में। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं अलंकार। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जान लेते हैं अलंकार है क्या फ्रेंड्स। ठीक है, तो अलंकार की मैं डेफिनेशन अगर बोलूं फ्रेंड्स, देखिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे देखिए मनुष्य अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों को धारण करता है, उसी प्रकार अलंकार से भी काव्यों की शोभा बढ़ जाती है। ठीक है, तो अलंकार एक हिसाब से देखा जाए तो काव्य के आभूषण है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ पाए होंगे इसको। ठीक है, और मैं बात करूं फ्रेंड्स, देखिए अलंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, जिसमें पहला है फ्रेंड्स शब्दालंकार, दूसरा है फ्रेंड्स अर्थालंकार, और तीसरा है फ्रेंड्स उभयालंकार। ठीक है, तो अलंकार के तीन भेद होते हैं। तो सबसे पहले बात करूं फ्रेंड्स मैं शब्दालंकार की। ठीक है, तो शब्दालंकार को आज समझेंगे अच्छे से, जानेंगे अच्छे से। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए शब्दालंकार के बारे में मैं बताऊँ आपको, शब्दालंकार के चार प्रकार होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कितने प्रकार बताए मैंने शब्दालंकार के? चार प्रकार। ठीक है, वैसे मेनली चार हैं और कहीं कहीं पे पांच भी बताया जाता है हिंदी काव्य में इसके। ठीक है, मैं पांचवा भी आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, लेकिन मुख्यतः चार भागी माने जाते हैं शब्दालंकार के। ठीक है, जिसमें पहला है अनुप्रास अलंकार फ्रेंड्स। ठीक है, तो अनुप्रास जो अलंकार है उसके बारे में कुछ जानेंगे आज। देखिए अनुप्रास अलंकार, तो फ्रेंड्स इसकी जो पहचान है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जहाँ एक वर्ण या अक्षर कई बार आता रहे। ठीक है, कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य है फ्रेंड्स, उसमें एक वर्ण या अक्षर रिपीटेड होता रहे। ठीक है, पुनरावृत्ति उसकी होते रहे। ठीक है, उदाहरण मैं उसका आपको दूँ तो तब समझ में आएगा। जैसे उदाहरण है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई फ्रेंड्स। ठीक है, समझ गए होंगे आप। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो चौ वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है लगातार सेंटेंस में। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया फ्रेंड्स? अनुप्रास अलंकार। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अन्य एग्जांपल जैसे मैं देना चाहूँ आपको, तरंग तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इसमें तौतौ वर्ण की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसी जगह पे होता है अनुप्रास अलंकार, बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं बात करूँ फ्रेंड्स, देखिए अनुप्रास अलंकार के भी पाँच भेद होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितने भेद होते हैं अनुप्रास के? पाँच भेद होते हैं। कौन कौन से? जिसमें पहला है फ्रेंड्स छः का अनुप्रास। ठीक है, बुक्स में मेनली आपको तीन ही भेद मिलेंगे, अगर आप व्याकरण शुद्ध संस्कृत की कोई बुक उठाएंगे वहाँ पे पाँच भेद है काव्य के अनुसार। ठीक है, लूसेंट वगैरह की मैं बात करूँ केवल तीन भेद वहाँ पे आपको मिलेंगे इसके। तो छेकानुप्रास सबसे पहले जानेंगे, छेकानुप्रास अलंकार है क्या फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, जहाँ एक वर्ण या अक्षर दो बार आता है। ठीक है, कहने का मतलब कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य है, उसमें एक वर्ण या अक्षर केवल दो ही बार आ रहा है, ज़्यादा बार नहीं आएगा, वो दो बार आएगा, तो वहाँ पे होगा छेकानुप्रास। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल दूँ, चाँद छुपा बादल में चाँद की तलाश है। ठीक है, तो चाँद छुपा बादल में चाँद की तलाश है, तो दोनों अगर सेंटेंस को आप ध्यान से देखें तो केवल चौ वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है दो बार। ठीक है, तो इसमें हो गया छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है, अब बात करूं मैं फ्रेंड्स, मैं वृत्यानुप्रास, दूसरा जो होता है वृत्यानुप्रास अलंकार होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये सेम लाइक होता है किसकी तरह? अनुप्रास अलंकार की तरह। ठीक है, ध्यान देंगे अनुप्रास अलंकार की तरह ही गुण पाया जाता है इसमें। तो इसकी पहचान है फ्रेंड्स, जहां एक वर्ण या अक्षर दो से ज्यादा बार आए। ठीक है, तो वहां पे होता है वृत्यानुप्रास अलंकार, सेम अनुप्रास की तरह। इसका उदाहरण है फ्रेंड्स, चमाचम चमक से चधिया गया चमन। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें देख रहे हैं आप, चमाचम चमक हो रही थी या चमक देखकर कोई भी फेस्टिवल हो रहा था, वहां पे
चमन चढ़िया गया, मतलब खुली रह गई उसकी आगे, सरप्राइज हो गया वो, ठीक है। तो यहाँ पे च जो वर्ण है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो वहाँ पे होता है वृत्यानुप्रास, ठीक है। ऊपर पढ़ा हमने छेक अनुप्रास में केवल 2 बार, लेकिन वृत्यानुप्रास में क्या कंडीशन है, 2 से ज़्यादा बार, ठीक है, अनुप्रास को ही फॉलो करता है। तीसरा जो प्रकार है फ्रेंड्स इसका, वो होता है लाटानुप्रास, ठीक है, ध्यान रखेंगे लाटानुप्रास अलंकार, तो इसको समझिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो लाटानुप्रास जो अलंकार है उसकी जो पहचान है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले, जहाँ एक ही शब्द कई बार आए परंतु उसका अर्थ एक हो, लेकिन पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए कोई सेंटेंस आपको, कोई वाक्य आपको दिए गए फ्रेंड्स, एक ही शब्द कई बार आ रहा है, उसका अर्थ भी समान है, लेकिन पूरे सेंटेंस का अर्थ बदल जा रहा है उससे, ठीक है, पूरे वाक्य का ही अर्थ बदल जा रहा है, वहाँ पे होता है लाटानुप्रास, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूँ तो एग्जाम्पल से समझेंगे आप, जैसे पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय फ्रेंड्स, ठीक है, इससे आप समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स पहली वाली पंक्ति में बताया जा रहा है, देखिए पूत सपूत, अगर आपका लड़का पुत्र अच्छा होगा तो ज़्यादा धन संचय करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो खुद अपने दम पे ज़्यादा धन संचय कर लेगा फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरी लाइन में बताते हैं वो, पूत कपूत तो का धन संचय, देखिए आप इतना धन संचय कर रहे हैं, अगर आपका पूत जो आपका पुत्र है वो कपूत निकलेगा, काम का नहीं निकलेगा, निठल्ला होगा, तो इतने धन संचय का कोई फायदा नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेंटेंस देखिए, वर्ड तो सेम थे लेकिन सेंटेंस का अर्थ बदल गया, वाक्य का अर्थ बदल गया, तो यहाँ पे होता है लाटानुप्रास, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल से लाटानुप्रास अलंकार को समझेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है लड़की तो लड़की ही है, ठीक है, तो पहले वाली लड़की तो में निकल रहा है फ्रेंड्स, केवल सामान्य लड़की की बात हो रही है, दूसरी लाइन को मैं जोर देके बोला लड़की ही है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, देखिए लड़की मतलब रूपवान है, बुद्धिशील है, गुण संपन्न है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अर्थ बदल गया दोनों वाक्यों का, ठीक है। तीसरा जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ये काफ़ी सिंपल बना देगा इसको समझने के लिए आपको, ये सॉन्ग है, ठीक है, सॉन्ग के माध्यम से मैं आपको लाटानुप्रास अलंकार समझाऊं तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा ये गाना कई बार, मैं गुनगुना के आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ठीक है, तो आराम आराम से मेरी जिंदगी में आना और धीरे धीरे मेरे दिल को चुराना, धीरे धीरे मेरे दिल को आराम आराम से चुराना, तो इन 2 वर्ड्स का मतलब तो सेम है लेकिन सेंटेंस का अर्थ बदल जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अलंकार में, जो है अंत्यानुप्रास, ठीक है। तो अंत्यानुप्रास अलंकार क्या है फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसको पहचान इसकी कैसे करेंगे फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें पंक्ति के वर्ण जो होते हैं ना अंत में, वो एकदम समान होते हैं। कोई भी कविता, दोहा, कोई भी लाइन्स आपको दी होंगी तो उनके जो अंतिम वर्ण होंगे, अंतिम शब्द होंगे, वो बिल्कुल समान होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल दूँ फ्रेंड्स मैं, ये भी एक सॉन्ग है, आपने काफ़ी बार सुना होगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं दोनों सेंटेंस में गा गा करेगा करेगा की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस में होता है फ्रेंड्स, बाकी कुछ मैच नहीं कर रहा, केवल अंत वर्ण मैच कर रहे हैं, यहाँ पे होता है अंत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स, 5वां भेद है इसका श्रुत्यानुप्रास, ठीक है। तो श्रुत्यानुप्रास क्या है फ्रेंड्स, थोड़ा समझेंगे इसको। तो देखिए वर्णमाला के किसी एक वर्ग के वर्ण की पुनरावृत्ति कई बार हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो वर्णमाला, जैसे वर्णमाला आपको पता है एक वर्ग कौन सा होता है, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ङ, ये अलग अलग वर्ग है ना, जैसे क वर्ग, उसके बाद च वर्ग और ट वर्ग, ठीक है। तो कहने का मतलब वर्णमाला के किसी एक वर्ग के वर्णों की पुनरावृत्ति होगी उस सेंटेंस में, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको तब आपको समझ आएगा, ठीक है। तो इसका उदाहरण है फ्रेंड्स, गाना है, एक गाने को ही गुनगुना देते हैं, थोड़ा आपका भी अच्छा मनोरंजन हो जाएगा इससे। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे ला 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 ला। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको समझाना चाहूँगा इसमें कैसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार है फ्रेंड्स। देखिए इसमें क वर्ग, जो क वर्ग है
ठीक है, उसके जो वर्ण है उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे एक लड़की को तो कौ कौ आ रहा है, ठीक है, कौ के बाद एक खो आ रहा है, यहाँ पे देखा में खो आ रहा है, ऐसा लगा, लगा में गा आ रहा है, गौ कर को मेंशन कर रहा है वो, जैसे खिलता गुलाब, फिर से खो आ गया, फिर गुलाब में गौ आ गया। तो कहने का मतलब फिर से एक बार समझ लीजिए, श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहाँ पे होता है, वर्णमाला के किसी एक वर्ग के वर्ण की पुनरावृत्ति कई बार हो, यहाँ पे होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें फ्रेंड्स दूसरा जो इसका भेद था शब्द अलंकार का, वो होता है यमक। ठीक है, तो यमक अलंकार क्या है इसको अच्छे से समझेंगे। तो यमक अलंकार में होता है फ्रेंड्स जहाँ एक ही शब्द कई बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, ये पहले इसकी पहचान है, एक ही शब्द होगा कई बार आएगा वो, और लेकिन अर्थ उसका हर बार अलग हो जाएगा। दूसरा क्या है, ज़्यादातर शब्द अगल बगल होते हैं, जो एक जैसे शब्द आते हैं ना वाक्य में वो एक दूसरे के अलग अगल बगल रहते हैं, ठीक है, आसपास रहते हैं। तो आप एग्जाम्पल से इसको समझेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका पहला एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो फ्रेंड्स देखिए, कनक कनक, तो यहाँ पे कनक कनक के जो है फ्रेंड्स दो अर्थ निकलते हैं फ्रेंड्स। तो पहला कनक है उसका अर्थ है सोना, ठीक है, और दूसरा कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक है, तो अगर मैं इसका अर्थ आपको बताऊँ, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, तो वा खाए बोराए जग, अगर देखिए कनक को ज़्यादा खाएगा तो बोराए जाएगा जग, मतलब पागल हो जाएगा, धतूरे को ज़्यादा खाने पे इंसान पागल हो जाएगा, या पाए बोराए, सोना भी अगर किसी को यकायक ज़्यादा मिल जाएगा तो खुशी से वो भी पागल हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे कनक कनक देखिए आसपास है शब्द, मैंने आपको बताया नहीं, ज़्यादा शब्द अगल बगल होते हैं, और दूसरा एक ही शब्द कई बार आते हैं और अर्थ अलग अलग हो जाता है। ठीक है, दूसरा इसका एग्जाम्पल है देखिए यमक अलंकार का, अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो दूसरे एग्जाम्पल को पकड़ते हैं, कुर्बान मेरी जान, जान तेरे लिए। ठीक है, तो कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को बोलता है कुर्बान मेरी जान, जान तेरे लिए। तो यहाँ पे देखिए जान, पहला वाला जान है जिंदगी, प्रेमी बोलता है मेरी जिंदगी जान तेरे लिए, जान का मतलब है प्रेमिका से। ठीक है, प्रेमिका मैं को वहाँ पे उसने जान मेंशन किया, तो एक साथ आए दोनों वर्ड अगल बगल, लेकिन अर्थ दोनों के भिन्न भिन्न हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपकी समझ में यमक अलंकार अच्छे से आ गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरा भेद जो शब्द अलंकार का है, वो है श्लेष अलंकार। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो श्लेष अलंकार की जो पहचान होती है फ्रेंड्स वो होती है देखिए, मुख्यतः एक शब्द एक बार आता है लेकिन उस शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। ठीक है, एक शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ कई बार, कई अर्थ निकल जाएंगे एक ही शब्द से। ठीक है, दूसरी इसकी पहचान है फ्रेंड्स, पर कई बार शब्द ज्यादा बार भी आ जाते हैं। ठीक है, वही शब्द ज्यादा बार भी आ जाता है, ठीक है, आपको पहचानना है। और तीसरा जो थोड़ा पहचानने के लिए फैक्ट है, यमक की तरह इसमें क्या होता है, अगल बगल शब्द नहीं आते, अगर एक जैसे भी वर्ड्स आ रहे होंगे, एक जैसे शब्द भी आ रहे होंगे तो अगल बगल नहीं होंगे वो। ठीक है, ये इनकी पहचान है किसकी, श्लेष अलंकार की। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका पहला एग्जाम्पल है श्लेष अलंकार का, प्रीतम बतला दो मुझे लाल मेरा कहाँ है। ठीक है, तो प्रीतम बतला दो मुझे लाल मेरा कहाँ है, यहाँ पे कोई पत्नी अपने पति से बोल रही है प्रीतम मुझे बताओ मेरा लाल कहाँ है। तो यहाँ पे लाल के दो अर्थ निकलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, पहला अर्थ निकलता है लाल का बेटा पुत्र। ठीक है, तो मेरा लाल कहाँ है, जिगर का टुकड़ा बोलिए माँ। दूसरा अर्थ लाल का निकलता है मणि या रूबी से, मतलब यहाँ पे, ठीक है, आभूषणों से मतलब निकल गया दूसरा। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे, तो एक शब्द के दो अर्थ निकल गए। ठीक है, दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है, मंगन को देखी पट देत बार बार है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, मंगन को देखी पट देत बार बार है, तो मंगन नाम का कोई व्यक्ति है फ्रेंड्स, दयनीय व्यक्ति है, और उसको देखकर पट के यहाँ पे फ्रेंड्स दो अर्थ निकल जाएंगे, जैसे ऊपर लाल के निकले वैसे पट के यहाँ पे दो अर्थ। पहला अर्थ जो पट का निकलेगा फ्रेंड्स वो है कपड़ा, और दूसरा अर्थ जो पट का निकलेगा वो है द्वार। तो मंगन नाम का कोई दयनीय आदमी है, देखिए उसको देखते ही कोई लोग क्या कर देते हैं, पट देत बार बार है, उसको देख कर बार बार दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन दूसरा सेंस में यहाँ पे निकालूँ तो पट का यहाँ पे मैं कपड़ा बना के देखूँ तो मंगन को देख कर, उसकी दयनीय अवस्था को देख कर कई लोग उसे कपड़े दान दे देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पट के यहाँ पे दो अर्थ आ गए। तीसरा जो आपको कॉमनली एग्जाम में देखने को मिलता है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे पानी 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 तीनों जगह पे रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पानी, पहले वाले पानी का अर्थ है चमक। ठीक है, रहीम दास जी बोलते हैं चमक रखिए अपनी बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब सून है, मतलब प्रतिष्ठा के। दूसरा पानी का अर्थ प्रतिष्ठा निकल रहा है, और तीसरा पानी का अर्थ यहाँ पे निकल रहा है जल से। ठीक है, मेनली जल से है। तो फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ गए होंगे श्लेष अलंकार को। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो प्रकार है फ्रेंड्स, चौथा प्रकार होता है शब्द अलंकार का, वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, तो वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है फ्रेंड्स देख लीजिए,
जब सुनने वाला कहने वाले की बातों का गलत अर्थ निकाल लेता है तो वहां पे होता है वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, मैंने कुछ कहा और आपने उसको कुछ और ही मेंशन कर लिया दिमाग में, तो वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होगा। फ्रेंड्स, इसके भी दो भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद है श्लेष मूल वक्रोक्ति। ठीक है, तो श्लेष मूल वक्रोक्ति अलंकार क्या है फ्रेंड्स? तो इसका जो पहचान है फ्रेंड्स, जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हो, ठीक है, और उसके कारण गलत अर्थ निकल जाए, तो वहां पे होता है श्लेष मूल वक्रोक्ति। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे फ्रेंड्स। देखिए, श्लेष वक्रोक्ति को एक बार फिर से समझे, जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हो और उसके कारण गलत अर्थ निकल जाए, तो वहां पे होता है श्लेष वक्रोक्ति। उदाहरण जो इसका देखिए, कौन द्वार पर राधे मैं हरि। ठीक है, कौन द्वार पे, राधा अंदर से बोली कौन द्वार पे, बाहर से कृष्णा खड़े थे, उनने बोला राधे मैं हरि, तो राधा ने तुरंत बोला क्या वानर का काम यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हरि का उसने अर्थ क्या निकाल लिया, वानर। हरि का अर्थ निकाल लिया, दूसरा अर्थ निकाल लिया वानर। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया, एक शब्द का अलग ही अर्थ निकल लिया, जबकि वहां पे स्वयं हरि खड़े थे। ठीक है, लेकिन राधा ने उसको मेंशन कर दिया वानर से। ठीक है, तो कहने का मतलब एक शब्द के अर्थ अनेक हो और उसका गलत मतलब ले लिया जाए, वहां पे होता है श्लेष वक्रोक्ति मूल अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, इसका दूसरा जो भाग होता है वो होता है काकु वक्रोक्ति। ठीक है, तो काकु वक्रोक्ति जो होता है वो अलंकार, वो क्या होता है देखिए, जहां शब्दों के उच्चारण के कारण गलत अर्थ समझ लिया जाए, वहां पे अर्थ के कारण था। ऊपर आपने देखा श्लेष मूला वक्रोक्ति में क्या था, अर्थ के आधार पे था, लेकिन काकु मूला वक्रोक्ति में क्या होता है, उच्चारण के कारण गलत अर्थ समझ लिया जाए सेंटेंस का, तो वहां पे क्या होता है, काकु वक्रोक्ति मूलांकार होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अलंकार होता है, सॉरी। तो इसका एग्जाम्पल जब मैं आपको दूंगा तब आप समझेंगे अच्छे से। ठीक है, उसने कहा प्रिय जाओ मत बैठो। ठीक है, उसने कहा, कहने का मतलब किसी प्रेमिका ने प्रेमी से कहा प्रिय जाओ मत बैठो, लेकिन मैंने सुना या उस प्रेमी ने सुना जाओ मत बैठो, तुम जाओ जाओ अब बैठो मत, ऐसा सुन लिया उसने, लेकिन वो क्या बोलना चाह रही थी, वो बोलना चाह रही थी प्रिय जाओ मत बैठो, प्लीज़ बैठ जाओ, जाओ मत, लेकिन उसने जल्दीबाजी में या अर्थ उच्चारण का अलग अर्थ समझ लिया वहाँ पे और सुना उसने क्या, जाओ मत बैठो। ठीक है, सेम है देखिए, दोनों लाइन सेम है देखिए, जाओ मत बैठो, जाओ मत बैठो। ठीक है, तो ये होता है फ्रेंड्स काकु मूल वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, ध्यान रखेंगे काकु मूला वक्रोक्ति अलंकार का, ये यहाँ पे आपको मैंने अच्छे से समझा दिया फ्रेंड्स। ठीक है, और जो इसका पांचवा भेद है फ्रेंड्स, देखिए शब्दालंकार का, ये काफ़ी कम जगह पे बताया जाता है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये विप्सा होता है। ठीक है, विप्सा का यहाँ पे मैं अगर मतलब निकालूँ फ्रेंड्स, मनोभावों को प्रकट करने के लिए जो अलंकार यूज किया जाता है उसे विप्सा कहते हैं। इसका अगर मैं सीधे आपको मीनिंग बताऊँ तो दोहराना, ठीक है, किसी भी चीज़ को दोहराना, डबल बार रिपीट करना, दैट इज कॉल्ड विप्सा। ठीक है, जिसके उदाहरण है फ्रेंड्स, छी छी राम राम देखो देखो, कोई भी ऐसा सेंटेंस आएगा, छी छी क्या दृश्य है, मैं ऐसा टाइप के जो भी लाइंस आएंगे, या देखो देखो वाह कितनी सुंदर घटा है, तो ऐसे जो भी सेंटेंस आएंगे वहाँ पे क्या होगा, विप्सा अलंकार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, अलंकार को समझ जितना भी मैं आपको समझा सकता था मैंने आज समझाने की कोशिश की फ्रेंड्स। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, और दूसरे वाले पार्ट में मैं आपको अर्थालंकार और उभया अलंकार के बारे में अच्छे से समझाऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।